सुबह के 9 बज रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं। भारत की एक महिला जर्मनी पहुंची अपनों की तलाश में, लेकिन वहां उसे रहना पड़ा है शरणार्थी कैंप में। इस महिला ने सोशल साइट पर अपना वीडियो डाला था और मदद की अपील की थी। जी न्यूज के एक दर्शक ने फेसबुक के जरिए ये वीडियो हम तक भेजा। जी न्यूज उस महिला के घर वालों तक पहुंच गया है और अच्छी बात यह है कि अब विदेश मंत्रालय भी जर्मनी के कैंप में रह रही महिला की मदद में जुट गया है। मुमकिन है कि गुरप्रीत जर्मनी से जल्द भारत लौट आएगी। भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हाथ जोड़ सकते हमारी बच्ची भैया अपने दिलवा दो। मेरी भारत सरकार से प्रार्थना है, हाथ जोड़ के विनती है, मुझे मेरे भारत में वापस बुलाया जाए। खुद को भारत बुलाने की गुहार लगा रही ये महिला कौन है, कहां की रहने वाली है, कैसे किस हालात में जर्मनी पहुंची और ये महिला क्यों परेशान है, इन सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे। पूरी कहानी सुनिए इस महिला की ही जुबानी। मेरा नाम गुरप्रीत उर्फ रिंका है, जो मैं हरियाणा फरीदाबाद की रहने वाली हूँ। मैं भारत सरकार से प्रार्थना करती हूँ, प्लीज़ मुझे जल्द से जल्द भारत बुलाया जाए। मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ धोखा किया, धोखे से मुझे जर्मन भिजवाया और यहाँ मुझे रिफ्यूजी कैंपों में जमा करा दिया, जिससे मैं और मेरी बेटी, 7 साल की मेरी बेटी है, हम दोनों बहुत परेशान हैं। मैं अपने भारत वापस आना चाहती हूँ। मेरी भारत सरकार से प्रार्थना है, हाथ जोड़ के विनती है, मुझे मेरे भारत में वापस बुलाया जाए। मैं आप सबको बाकी की कहानी वहाँ आके बताऊँगी, मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ क्या क्या किया। दरअसल जी न्यूज के एक दर्शक ने फेसबुक के जरिए ये वीडियो हमारे पास भेजा, जिसके बाद हमने गुरप्रीत के परिवार की तलाश की। आपको आगे बताएंगे गुरप्रीत की पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर क्या कहा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया, गुरप्रीत मैंने जर्मनी में भारतीय दूतावास से रिपोर्ट ली है, फ्रैंकफर्ट में मौजूद भारतीय कौंसुलेट इस मुद्दे का निपटारा कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने बताया है कि भारतीय कौंसुलेट ने गुरप्रीत के पिता से भी बात की है और इस मसले में गुरप्रीत की पूरी मदद की जाएगी। सवाल उठता है कि गुरप्रीत भारत आकर किन बातों का खुलासा करना चाहती है। सवाल ये भी कि गुरप्रीत जर्मनी के इस कैंप तक पहुंची कैसे, मेरे साथ क्या क्या किया। घर वालों का कहना है कि गुरप्रीत की शादी 2005 में मनोज से हुई थी, लेकिन 2010 में मनोज अचानक लापता हो गया। सालों तक मनोज का कोई पता नहीं चलने पर गुरप्रीत ने कोर्ट में ससुराल वालों के खिलाफ केस फाइल कर दिया। गुरप्रीत के पिता के मुताबिक केस करने के बाद उनकी बेटी के नंदोई विश्वानंद और दौलत राम ने गुरप्रीत के सामने केस खत्म करने की एवज में जर्मनी भेजने का प्रस्ताव रखा। गुरप्रीत को बताया गया कि उसके सास ससुर जर्मनी में हो सकते हैं और हो सकता है कि उसका पति मनोज भी वही हो। इसी के साथ विश्वानंद और दौलत राम ने गुरप्रीत को पिछले साल सितंबर में जर्मनी भेज दिया। अब गुरप्रीत के माता पिता बेटी के वापस आने की बात जो रहे हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दामाद तो वैसे ही घरेलू मामले में तो मेरे घर में कोई फंक्शन था, ये फंक्शन के बाद ही निकल के गया, वापसी आया नहीं, तो बहुत तलाश किया मैंने, बहुत ढूंढा नहीं मिला। बाद उस लड़की मेरी जो थी वो मैंने उसको बोला, बेटा कुछ हो नहीं सकता, सबर के लिए क्या कर सकते। तो उसने मैं छोड़ा, बहुत अपना काम करा, कपड़ा ले जा पार्लर के काम का। उसने अपने जो मुकदमा अपने ससुराल साथ किया, केस किया, उन्होंने यही शर्त रखी कि हम तेरे सास ससुर के पास जर्मन भेजी थी, तो कोई भी माँ बाप को तो विश्वास भी भेज देते, लेकिन उन्होंने जो करा विश्वासघात करा बिल्कुल अपने आप। हर कोई चाहते हैं मुझे बेटी शांत हो, अपने ससुराल हो, अच्छा अपने घर पर हो,
हमें क्या पता कि हमारी किस्मत में क्या रखे। हमारे को कुछ पता ही नहीं, बस यही इस बोला था जैसे हमने कि ये न्यूज़ देखो ना टीवी में क्या आ रही है, देखे तो हमारी लड़की तो जर्मन पहुंच गई है और कैंप में है। दीदार सिंह के मुताबिक उनके पास बेटी का कोई नंबर नहीं था, उन्हें बेटी के रेफ्यूजी कैंप में रहने की जानकारी उनके एक परिचित ने दी थी। इस बीच हरियाणा सरकार ने भी गुरप्रीत को वापस बुलाए जाने की बात उठाई है। मैं भारत सरकार से भी और अपने प्रदेश के सीएम साहब के माध्यम से भी ये पूरा प्रयास करेंगे कि इस महिला को जल्दी से जल्दी वापस उसके घर उसके परिवार के साथ मिलाया जा सके। अब तक की कहानी ये है कि हरियाणा की इस महिला ने किसी का फोन लेकर अपना वीडियो बनाया, अपने वीडियो को यूट्यूब पर डाला, वीडियो के जरिए अपनी पूरी आप बीती सुनाई, ससुराल वालों पर धोखा देने का आरोप लगाया, खुद को भारत बुलाए जाने की गुहार लगाई। लेकिन खास बात यह है कि महिला ने सबसे बड़ा खुलासा अभी तक नहीं किया है, ये खुलासा होगा उसके ससुराल वालों के खिलाफ। गुरप्रीत के घर वाले अपनी बेटी की शादी का सर्टिफिकेट और उसके दूसरे दस्तावेज दिखा रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरे मामले की तह तक जाना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजू राज, जी मीडिया, फरीदाबाद। तो जी न्यूज के एक सजग दर्शक ने हम तक ये वीडियो पहुंचाया था फेसबुक के जरिए और जी न्यूज ने इसके घर वालों को ढूंढ निकाला है और जैसा हमने आपको बताया कि जल्द ही गुरप्रीत अपने घर वापस भी आ सकती है।